A very good morning to all. In this section, we will discuss the most important questions of educational sociology. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हेल्पफुल होंगे NTA NRJRF एजुकेशन एंड PGT एजुकेशन में. इसके साथ साथ BEd, MEd, BLed के मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेनिफिशियल होंगे. आज इस सेक्शन में हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं. वो एग्ज़ाम आपका NTA NRJRF, PGT एजुकेशन और BEd MEd के MCQ टाइप क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो कि आपके सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वाले पोर्शन से बिलोंग करते हैं. चलिए हम आज की क्वेश्चंस की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज इसेंशियल इन ए प्राइमरी ग्रुप. यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक समूह की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या है. इट शुड हैव लार्ज मेंबरशिप, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हों. ऑप्शन बी, इट्स मेंबर मस्ट बी ऑफ द सेम एज, ग्रुप मेंबर सबकी एज एक समान हो. ऑप्शन सी, इट्स मेंबर यूजुअली मस्ट बी लिमिटेड टू वन सेक्स, ग्रुप मेंबर जो हैं या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, मतलब एक सेक्स के होंगे, एक जेंडर के होंगे. ऑप्शन डी, इट्स मेंबर मस्ट हैव ए हाई रेट ऑफ इंटरेक्शन विद वन अनदर. इस ग्रुप में जो समूह होता है आपका, जो प्राथमिक समूह होता है, इसके जितने भी मेंबर होते हैं सबके एक साथ एक दूसरे के साथ में हाई लेवल का इंटरेक्शन होता है या उच्च स्तरीय अंतःक्रिया होती है. पूरे ग्रुप के जो पीपल होते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ऑप्शन ए रिलीजियस फेथ, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन, और ऑप्शन सी एम्पैथी, ऑप्शन डी मोबिलिटी. निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है, धार्मिक विश्वास, सहभागिता, सहानुभूति, गतिशीलता. तो यहाँ पर आपका राइट रिस्पॉन्स होगा एम्पैथी. एम्पैथी आपका आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है. बाकी आपके धार्मिक विश्वास, सहन पार्टिसिपेशन और गतिशीलता या मोबिलिटी, ये क्या हैं आपके एग्जांपल हैं मॉडर्नाइजेशन के. जो एम्पैथी है आपका वो आपका एग्जांपल नहीं है किसका, आधुनिकीकरण का. क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा कोट की गई है. द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट हु हेल्ड द व्यू दैट एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रेदर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशनल चेंज वाज. निम्नलिखित महान समाजशास्त्रियों में से वो कौन है जिसने कहा है कि शिक्षा से समाज में परिवर्तन नहीं आता बल्कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन आता है. मैकडूगल, अरस्तु, दुर्खीम, जॉन डी बी. तो यहाँ पर आपका राइट रिस्पॉन्स होगा एमिल दुर्खीम. ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी ओनली प्रोवाइड डेट ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर अनइक्वल टैलेंट. दिस वाज पॉइंटेड आउट बाई. ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, कि लोकतंत्र केवल यह प्रदान करता है कि सभी पुरुषों को अपनी असमान प्रतिभा के विकास के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराना या अवसर उपलब्ध हों. महात्मा गांधी के द्वारा, जीन प्याजे के द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा या राजा राम मोहन राय के द्वारा. तो ये स्टेटमेंट है आपका दिया गया है डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा. ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट, कम्युनिकेट, कंप्यूट एंड यूज प्रिंटेड एंड रिटन मटेरियल एसोसिएटेड विद वेरिंग कॉन्टेक्स्ट. हु गेव दिस डेफिनेशन. ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, कि अलग अलग संदर्भों से जुड़ी हुई मुद्रित एवं लिखित सामग्री को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने में, संवाद करने में, गणना करने में और उपयोग करने की क्षमता, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई. यूनिसेफ के द्वारा, NCERT के द्वारा, WHO के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा. तो ये डेफिनेशन स्टेटमेंट कोट दिया गया है यूनेस्को के द्वारा. ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं,
व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, किसी समाज का सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्या है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, उनके रोजगार का संरचना, ऑप्शन डी पॉपुलेशन। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पांस होगा ऑप्शन ई लिटरेसी रेट। आप देखते हैं जब व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास किसी सोसाइटी का, तो जहाँ पर आप देखते हैं साक्षरता दर लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी हाई होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। टीचर एक्ट एज वन ऑफ द एजेंट ऑफ सोशल चेंज, शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के एक संसाधक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर्म ए बेसिक फीचर ऑफ सोशल प्रोग्रेस, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है। ऑप्शन थर्ड, एज एन एजेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस टीचर्स डू इन्फ्लुएंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स, सामाजिक प्रगति के एक संसाधक के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों की मूल्य व्यवस्था को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोन्नति का भाव निहित है। सोशल चेंज इम्प्लाइज इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा नहीं है, सेकंड वाला क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम ए बेसिक फीचर ऑफ सोशल प्रोग्रेस, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, वेलनेस लाइफ स्टाइल, यहाँ पर बात हो रही है सुव्यवस्थित जीवन शैली या अच्छी जीवन शैली डिपेंड्स ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति की किसके आधार पर रहती है। एफ्लुएंस एंड एडिक्वेसी, ऑप्शन सेकेंड मीन्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ऑप्शन फोर्थ डूइंग समथिंग टू गेट समथिंग। सुव्यवस्थित जीवन शैली किस पर निर्भर रहती है, किसी भी व्यक्ति की संपन्नता एवं पर्याप्तता पर, साधन एवं उसकी उपलब्धता पर, ऑप्शन थर्ड आपका मूल एवं अभिवृत्तियों पर, कुछ पाने के लिए कुछ करने पर। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पांस क्या होगा, मूल्य और अभिवृत्तियाँ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, क्योंकि जो आपकी जीने का स्टाइल है, जो आपकी लाइफ है, जो आपकी डेली रूटीन है, वो आपके एटीट्यूड और आपके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो आपके वैल्यू आपको एक अलग प्लेस देते हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर किसी व्यक्ति से अलग रखता है वहाँ पर। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन, यहाँ पर बात हो रही है कौन सा व्यवहार सामाजिक बहिष्करण की ओर ले जाता है या समाज से दूर करता है। ऑप्शन ए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फॉर एसटी एंड एसटी चिल्ड्रन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण। ऑप्शन सेकंड, स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय। ऑप्शन थर्ड, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील मध्यान्ह भोजन का प्रावधान। ऑप्शन फोर्थ, प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक महिला शिक्षक की नियुक्ति, पोस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन फीमेल टीचर इन एवरी स्कूल। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड सोशल स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड या दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय। क्यों, क्योंकि अगर हम स्पेशल बच्चों को अलग कर देंगे, स्कूल अलग कर देंगे, तो क्या होगा, उनका वो सोशल एक्सक्लूजन होगा, हम उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे समाज से। और जब हम उनको नॉर्मल स्कूल में प्लेस करते हैं स्पेशल बच्चों को, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन, जब हम बाहर कर देंगे तो एक्सक्लूजन। तो ये आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, अपवार्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स इज रिलेटिवली लेस कॉन्टिजेंट ऑन, अध्यापक की या अध्यापकों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत किस पर निर्भर करती है या किस पर कम निर्भर है। ठीक है, सबसे कम की बात हो रही है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता,
एकेडमिक मेरिट हो जाएंगे, आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन हो जाएंगे और कास्ट एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगी जातिगत संबद्धता, कास्ट एप्लीएशन। ठीक है, कास्ट एप्लीएशन कैसे होगा, यहाँ पर बात हो रही सबसे कम सामाजिक गतिशीलता या वर्टिकल की बात हो रही है, जिसको हम अपवाद भी बोल सकते हैं। देखो शैक्षिक योग्यता, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ठीक है, आपका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो आप मोबिलिटी को गेन करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है, बहुत आपकी आकांक्षाएँ हैं, तब भी आप वर्क करेंगे, अपने लेवल से ऊपर उठेंगे। राजनीतिक प्रभाव भी आपको मोबिलिटी के लिए क्या करता है, जोर देता है, मोबिलिटी को बढ़ावा देता है, लेकिन जो जातिगत संबद्धता होती है वो उस पर कोई कम रहता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, यहाँ पर अपकमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन अर्बन एरियाज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, यहाँ पर बात हो रही है शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय का आगमन निम्न में से किसे सहयोग करता है। यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए हायरार्की अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी हायरार्की अमंग स्टेटस ग्रुप्स, ऑप्शन डी एन एलिमेंट ऑफ सेलेक्टिविटी, शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अधिक्रमता, शैक्षिक अवसर की समानता, प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूह की अधिक्रमता, चयनात्मकता का पक्ष विकसित करना। तो आपको यहाँ पर समुच दिया है, ग्रुप दिया है, कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। कौन कौन से रहेंगे आपके, रहेगा पहला वाला शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अधिक्रमता, ठीक है, और कौन सा रहेगा आपका सी प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूह की अधिक्रमता। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल जो होते हैं अर्बन एरियाज में, तो जिन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है वो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, जो बच्चे बिलो वाले होते हैं वो बच्चे मैक्सिमम आपके क्या होता है सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो आपके निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा हाई होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो आपके हर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ पर। और डी आपका सेलेक्टिविटी की भी बात यहाँ पर रहती है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यू ऑफ कोलैबोरेशन आर मोस्ट रिलीवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, भूमिका द्वंद्व और सहयोग के मुद्दे निम्न में से किस विधा के लिए सर्वाधिक संगत हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो आपके लिए ये रहेगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा आपका एजुकेशनल फिलॉसफी। तो आपका यहाँ 12 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट द रोल ऑफ एजुकेशन शुड फोकस ऑन, समाजशास्त्रियों के अनुसार कौन सी, शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए, सोशल इंटीग्रेशन एमंग द ग्रुप्स, समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, इनकल्चरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इन एजुकेशन, शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना, ऑप्शन थर्ड दलित वर्ग की सामाजिक उन्नति ए गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी ऑफ डाउन रोडन, ऑप्शन फोर्थ मोडिफिकेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के मूल्यों का अशोधन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा, शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना या इनकल्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, एजुकेशन कंसीडर्ड एज ए सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम बिकॉज, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्यों, इट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस डेट सोसाइटी हैज़ टू प्रोवाइड टू द पीपल, इससे समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड इट्स हैज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना जटिल है, ऑप्शन थर्ड इट हैज़ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन टू प्रमोट अडेप्टेशन, इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रकारें हैं, ऑप्शन फोर्थ इट हैज़ वेरियस इंटरेक्टिंग कंपोनेंट डिटरमाइनिंग सोशल गोल, इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले
विभिन्न अंतक्रियात्मक संघटक शामिल हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इट हैज़ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस टू प्रमोट एडप्टेशन। इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य एवं प्रकार होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बात हो रही है एजुकेशन की, ठीक है। ये सब सिस्टम है आपके सोशल सिस्टम को मॉडिफाई करने का, कंट्रोल करने का, उसको आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्यों इनके क्या होता है, फंक्शंस क्लियर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। किसी भी समाज के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी एक भूमिका होती है, वहाँ पर एक दूसरे के रिलेशन में बंधे होते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं यहाँ पर, वर्टिकल मोबिलिटी सेल विल बी सेट टू अकर व्हेन। यहाँ पर बात हो रही है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, मतलब नीचे पोजीशन से ऊपर पहुँचना। फॉर एग्जांपल एक सिटी का एसडीएम है, उसका प्रमोशन हो जाता है एसडीएम, तो वो क्या है, वो आपकी मोबिलिटी या सोशल मोबिलिटी कौन सी, वर्टिकल। या फॉर एग्जांपल कोई पुलिस कांस्टेबल है, वो आपका इंस्पेक्टर के रैंक पे प्रमोट हो जाता है, तो वो क्या है, आपकी वर्टिकल मोबिलिटी। तो यहाँ पर बात करनी है हमको मोबिलिटी की, कौन सी वर्टिकल मोबिलिटी कब होगी। पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, जब लोग ग्रामीण एरिया से शहरी क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन सेकंड, पीपल मूव फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू द अदर सोशल पोजीशन, जब लोगों की सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है। ऑप्शन थर्ड, पीपल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर सुपीरियर पोजीशन, जब लोग किसी एक स्थिति से बड़ी स्थिति में आते हैं, अपने से अपर स्टैंडर्ड, अपने से ऊपर वाली पोजीशन। ऑप्शन फोर, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, जो हम आपको बताए थे, कौन सा, पीपल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर सुपीरियर पोजीशन। यहाँ पर जो पोस्ट होती है उससे अपर ग्रेड की पोस्ट पर हमारा प्रमोशन होता है, तो वो क्या होती है, आपकी वर्टिकल मोबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं, विच स्टेटमेंट रेफर्स टू द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, कौन सा कथन शिक्षा और समाज के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाता है। द स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोशल सिस्टम, विद्यालय सामाजिक तंत्र का लघु रूप है, जो कि जॉन डीबी का स्टेटमेंट है आपका। सेकंड, सोसाइटी प्लान्स टू हैव स्कूल्स, समाज विद्यालयों के निर्माण हेतु योजना बनाता है। ऑप्शन थर्ड, स्कूल इज ए क्रिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय समाज को रचने वाला है। ऑप्शन फोर्थ, समाज द्वारा विद्यालय का सृजन इसके स्वयं पुनर्सृजन होने के निमित्त है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, द स्कूल इज क्रिएटेड बाई सोसाइटी टू रिक्रिएट इट्सेल्फ, समाज द्वारा विद्यालय का सृजन इसके स्वयं पुनः सृजन होने के निमित्त है। क्यों, क्योंकि जब हम सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी में स्कूल होते हैं, तो स्कूल का शिक्षा का क्या काम होता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने पुराने पीढ़ियों के जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम हैं, उनको ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफॉर्म करना, और उन गुणों को, वो मॉरल वैल्यू हो सकती हैं आपकी, एथिकल वैल्यू हो सकती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको आगे बढ़ाना, आगे प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग एडोलेसेंस थ्रू। यहाँ पर बात हो रही है किशोरावस्था के समय में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। रिलीज फैमिली ओरिएंटेशन, पारिवारिक परिबोधन, रिलीजियस एफिलिएशन, धार्मिक संबद्धता, द स्कूल सिस्टम, विद्यालय प्रणाली, द पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, मित्रमंडली अंतक्रिया, नेबरहुड हॉस्पिटैलिटी, पड़ोसबाज या पड़ोसी मेहमानबाजी। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको चूज़ करना है, कोई तीन होंगे, ग्रुप में दिया गया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर राइट होगा आपका ऑप्शन थर्ड, ए फैमिली ओरिएंटेशन, बी कौन, सेकंड कौन सा रहेगा आपका, सी, सी में आपका आ जाएगा स्कूल सिस्टम, विद्यालय प्रणाली, और डी आपका मित्रमंडली। ये किशोरावस्था की बात हो रही है, देखो फैमिली का तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही, उसके साथ में आपके स्कूल का, स्कूल के साथ में आपकी मित्रमंडली का, जो आपके फ्रेंड सर्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यू ऑफ कोलैबोरेशन आर मोस्ट रिलेवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। यहाँ पर बात हो रही है रोल कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, यहाँ पर कूलेज फेस टू फेस ग्रुप रेफर्स टू, ए फॉर्मल ग्रुप, एन इन ग्रुप, एन आउट ग्रुप,
ए प्राइमरी ग्रुप। जब कूले की बात हो रही, समाजशास्त्री कूले के द्वारा फेस टू फेस जो ग्रुप है उसको कहा जाता है ए फॉर्मल ग्रुप, एक औपचारिक समूह। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कूले रेफर्ड एज टू क्वासी प्राइमरी ग्रुप। ए बॉय स्काउट ट्रूप, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ए मदर एंड हर चाइल्ड, ए स्पॉन्टेनियस प्ले ग्रुप। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए मदर एंड हर चाइल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एजुकेशनल सोशियोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। कोई कन्फ्यूज़न हो आपको, कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चन के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।